अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और ये है Xiaomi Poco X2। और आज अपन का मोड पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव है, तो आज अपन आप लोगों को पूरा एक्सक्लूसिव फीचर्स बताएगा। जी हाँ गाइज, इन फीचर्स के बारे में शायद ही आपको किसी और YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज मेरा काम ही कुछ ऐसा है, मैं यूनिक फीचर्स को ढूंढता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो गाइस, जो सबसे पहला एक्सक्लूसिव फीचर है हमारा ये पोको X2 का, वो है इनहांस्ड विजुअल्स इन गेमिंग। ये क्या है, तो मान लीजिए अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं जैसे कि पबजी, तो पबजी में आपको डे नाइट मोड भी मिल जाता है। अब नाइट मोड में क्या होता है कि आपकी ब्राइटनेस काफी कम हो जाती है, तो ऐसे में आप अपने ब्राइटनेस को पूरा फुल हाई कर देते हो, गेम के ब्राइटनेस को भी फुल हाई कर देते हो, फिर भी आपको पूरी अच्छी तरह से इनिमीज नहीं दिख पाते। तो यहां पर आपको मिलता है इनहांस्ड गेमिंग का, जो कि इसका गेम स्पीड बूस्टर यानी कि गेम टर्बो में मिलता है। तो गेम टर्बो में ऊपर से स्वाइप करेंगे और उसमें आपको ब्राइटनेस का एक बटन मिलता है, जिससे आप टैप करेंगे तो कलर्स और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और उससे आप लगभग 3 लेवल्स जो है बढ़ा सकते हैं। एक में सैचुरेशन बढ़ जाता है, एक में कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है और एक में दोनों ही बढ़ जाता है, जिसके बाद रात में हमें और भी ज्यादा जो है अच्छे विजुअल्स मिलते हैं गेमिंग में। ये था गाइस हमारा पहला एक्सक्लूसिव फीचर। जो दूसरा एक्सक्लूसिव फीचर है गाइस, वो है 4D वाइब्रेशंस। शायद इसके बारे में भी किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ गाइस, हमारे पोको X2 में 4D वाइब्रेशन सपोर्टेड है, यानी कि जो वाइब्रेशन मोटर है वो दोनों ही तरफ है। और गाइस अगर आप गेम खेलते हैं जिसमें 4D वाइब्रेशन सपोर्टेड हो, तो फिलहाल के लिए गाइस अभी बहुत ही कम ऐसे गेम्स हैं जिसमें 4D वाइब्रेशन सपोर्टेड है, जैसे कि पबजी मोबाइल में अभी सपोर्टेड नहीं है, लेकिन पबजी चाइनीज वर्जन में सपोर्टेड है। तो अगर आप जाएंगे गेम स्पीड बूस्टर के सेटिंग्स में और उसमें पबजी चाइनीज को सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 4D वाइब्रेशंस का। और अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं, तो अगर मुझे इनिमी कोई राइट से मारता है तो राइट साइड वाइब्रेट होता है, और अगर लेफ्ट से मारता है तो लेफ्ट साइड वाइब्रेट होता है। तो ये भी एक इसका बहुत ही यूनिक फीचर है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। जो नेक्स्ट चीज़ है गाइस, वो है इसका हाईफाई साउंड। अब हाईफाई साउंड के बारे में तो काफ़ी लोगों ने बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच में गाइस ईयरफोन में या हेडफोन में जो इसका मज़ा है ना, वो लाजवाब है। जो हाईफाई साउंड आप इनेबल कर देंगे, यानी कि जाएंगे सेटिंग्स में और साउंड सेटिंग में, और उसके बाद जाएंगे गाइस इक्वलाइजर के पास, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है हाईफाई साउंड का ऑप्शन। हालांकि ऐसे में कोई भी MI के फ़ोन में ईयरफोन इस्तेमाल करता हूँ गाइस, तो इक्वलाइजर में ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सा सेटिंग में सुनना है। लेकिन गाइस ये अगर हाईफाई है ना, तो आपको कोई भी इक्वलाइजर की जरूरत नहीं है गाइस। हाईफाई साउंड में जो जबरदस्त क्वालिटी प्रोड्यूस होता है ईयरफोन में, वन ऑफ दी बेस्ट होता है गाइस, सुनने के लायक है, बहुत ही जबरदस्त बैलेंस साउंड आता है और बिल्कुल ही लो क्वालिटी के ईयरफोन में भी काफी अच्छे साउंड को प्रोड्यूस करता है। जो चौथा फीचर है गाइस, वो है गाइस फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड, यानी कि इसमें जो फिंगरप्रिंट दिया गया है वो पावर बटन में दिया गया है। तो अगर आप फिंगरप्रिंट के सेटिंग्स में जाएंगे, तो आपको दो अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ इसे टच करके, फिंगरप्रिंट को सिर्फ टच करके ओपन कर पाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि पावर बटन को प्रेस करें तभी जा करके फोन अनलॉक हो। तो आप दोनों ही रिकॉग्निशन मेथड में स्विच कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। जो नेक्स्ट एक्सक्लूसिव फीचर है गाइस, वो हमें मिलता है वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट का। तो जी हाँ, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना कि क्या हम लोग वाईफाई और हॉटस्पॉट को एक साथ ऑन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप राउटर से वाईफाई चला रहे हैं फ़ोन में, और फ़ोन के वाईफाई को भी शेयर कर रहे हैं गाइस। तो ये फीचर आपको मिल जाता है पोको X2 में, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आप एक साथ ऑन कर सकते हैं, जो कि ज़बरदस्त बात है। जो नेक्स्ट फीचर है गाइस, वो है सेंसर ऑफ का। हालांकि ये एंड्रॉयड 10 बेस्ड फीचर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ गाइज, आप अगर इसके डेवलपर सेटिंग्स में जाएंगे, तो उसमें आपको क्विक डेवलपर सेटिंग्स में मिल जाता है सेंसर का टाइल। तो उस सेंसर के जो टाइल को आप ऊपर नोटिफिकेशन ड्रॉयर से ऑन कर देंगे, तो उसके बाद आपके फोन का सारा सेंसर बंद हो जाएगा। सारा सेंसर का मतलब गाइस सारा का सारा सेंसर, कैमरा बंद हो जाएगा, आपका ग्रेविटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हर तरह का सेंसर गाइस बंद हो जाएगा, जिससे आपकी बैटरी तो बचेगी ही बचेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको प्राइवेसी भी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं और आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, मतलब वीडियो कॉल, तो आप क्या करते हैं, कैमरा के ऊपर हाथ ढक लेते, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि सेंसर ऑफ कर लीजिए, कैमरा भी ओपन नहीं होगा, बिकॉज गाइस कैमरा भी तो एक सेंसर है, तो इससे आप प्राइवेसी में भी काफी अच्छा मजा ले सकते हैं। उसके बाद जो कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स है गाइस, वो कैमरा की तरफ से हैं।
और सबसे पहला मुझे एक्सक्लूसिव फीचर लगा कैमरा में वो ये है गाइस कि फ्रंट कैमरा में भी आप पैनोरामा शॉट्स ले सकते हैं। जी हाँ, अभी तक शाओमी के जितने फोन्स थे सिर्फ बैक कैमरा से पैनोरामा लेते थे, लेकिन इसमें क्योंकि आपको जो है ग्रुप सेल्फीज लेना है तो पैनोरामा में जाके फ्रंट कैमरा में स्विच करके ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीच से शुरुआत होगा, फिर लेफ्ट आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद राइट ले सकते हैं, जिससे जो पैनोरामा का हमारा फीचर है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन और भी ज़्यादा जो है वाइड सेल्फी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सक्लूसिव फीचर है गाइस सिनेमा मोड। सिनेमा मोड के बारे में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा, ये मैं बता दूँ क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल सा फीचर है लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर आप सिनेमा मोड में फोटो लेते हैं खास करके पोर्ट्रेट्स, तो लोगों की जो पिक्चर्स है गाइस वो बहुत ही ज़बरदस्त झकास देखने में लगती है। तो सिनेमा मोड के लिए भाई बिल्कुल हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा पोको वालों को। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है गाइस व्लॉग मोड। तो आपको पता होगा व्लॉग मोड को काफ़ी ज़्यादा टीज किया गया लेकिन सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। व्लॉग मोड में आपको 6-7 प्रीसेट्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपने वीडियो को शूट कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो को शूट करेंगे तो उसके बाद वो जो है एक पूरा एडिट होकर के बहुत ही अच्छा वीडियो बन जाएगा। तो उसमें आपको अलग अलग क्लिप्स लेने हैं, 2 सेकंड के, 3 सेकंड के, 1 सेकंड के, और लगभग 11 से 12 सेकंड का वह एक शॉर्ट वीडियो बनता है जो कि आप एक ट्रेलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है गाइस देखने में। और व्लॉग मोड में काफी अच्छे अच्छे प्रीसेट्स दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग के लिए ट्रेलर्स जो है बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही इजी हो जाता है, आपको ज्यादातर अलग से एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है गाइस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड। ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड आखिर क्या है? तो गाइस जैसे ही आप ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड को इनेबल करेंगे जो कि दिया गया है कैमरा में, तो वाइड एंगल कैमरा खुल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा ना कि मान लीजिए आपने स्क्रीन पर टच करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो वहां पे जो हमारा कैमरा है वो जूम हो जाएगा सॉफ्टवेयर वाइज। और जूम होने के बाद गाइस जैसे जैसे उसको हम लोग हिलाएंगे डुलाएंगे जिधर भी ले जाएंगे, कैमरा ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा, और जब फाइनल वीडियो आप देखेंगे तो वो एक क्रॉप्ड वीडियो होगा लेकिन गाइस ट्रैक्ड वीडियो होगा, यानी कि जिधर जिधर मोशन होगा उधर उधर जो वीडियो है वो ट्रैक करेगा, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त लगता है देखने में और व्लॉग वगैरह बनाने में गाइस ये भी बहुत ही ज्यादा आपकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है गाइस वीडियो स्ट्रेटन मोड। वीडियो स्ट्रेटन मोड क्या है? तो जैसा कि हम लोग वीडियो लेते हैं और चाहते हैं कि हमारा टेढ़ा मेरा ना हो, तो वहाँ पे आपको वीडियो के बीच में एक स्लाइडर दे देगा बीच में, जिससे आप अपने वीडियो को बिल्कुल अपने हिसाब से अलाइन रख पाएंगे, जो कि एक छोटी सी निफ्टी फीचर है जो कि इसमें दिया गया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। और कुछ फीचर्स आ रहे हैं गाइस गैलरी की तरफ से। तो यहाँ पे सबसे पहला मिलता है कलर पॉप। अब ये कलर पॉप आपने देखा होगा गूगल के फोटोज में होता है, यानी कि अगर आप कोई पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं तो आप बैकग्राउंड के जो कलर है उसे बदल सकते हैं, खुद को कलर में रख के बाकी पीछे का जो है ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, तो वो फीचर आपको इसमें मिल जाता है। तो आपको बस कोई भी पोर्ट्रेट शॉट लेना है, और पोर्ट्रेट शॉट लेने के बाद गाइस जब बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा तो जाना है हमें गैलरी में, और गैलरी में एडिट का बटन मिल जाता है उसमें जाना है, और एडिट के बटन में फिल्टर्स में आपको कलर पॉप मिल जाता है। उस कलर पॉप पे आप जैसे ही टैप करेंगे गाइस जो बैकग्राउंड में वो ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा और आपका जो फेस है वो पूरा का पूरा कलर में रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है गाइस कैमरा का ही है, लेकिन इतना अच्छा है कि क्या बताऊं गाइस। जी हाँ, आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, तो 4K 30 FPS में भी आप अपने वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्मूथ लगता है। तो पहले हम लोग 4K में इसीलिए सिर्फ शूट नहीं करते थे कि भाई हमें स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, लेकिन अब हमें 4K में स्टेबलाइजेशन मिलता है, जिससे मैं 4K 30 FPS में बिल्कुल शूट करने के लिए भाई उतावला रहता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है गाइस गैलरी में, और वो ये है कि आपको जो ट्रैश बिन मिलता था, यानी कि गैलरी से आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो तो डिलीट हो जाती थी पहले, लेकिन उसके बाद शाओमी ने ट्रैश बिन इंट्रोड्यूस किया, और वो जो ट्रैश बिन था गाइस वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम करता था, यानी कि MI अकाउंट में साइन इन करो और साइन इन करने के बाद फिर MI अकाउंट के ट्रैश बिन में क्लाउड में रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है गाइस, अब जो ट्रैश बिन है वो ऑफलाइन हो चुका है, और अगर आप ट्रैश बिन में जाते हैं तो लास्ट 30 डेज की आप डिलीटेड फाइल्स को देख सकते हैं और उन्हें आप रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये MI क्लाउड का भी दिखाएगा और आपका ऑफलाइन भी दिखाएगा, और आप उस ट्रैश बिन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, 30 दिनों से ज्यादा भी कर सकते हो, और यहां पे बिल्कुल शो कर देगा कि कितने दिनों में ये फाइल जो है डिलीट होने वाला है, 27 दिनों में, 28 दिनों में, 29 दिनों में। तो वो भी फीचर जो है बहुत ही अच्छा लगा गाइस मुझे ट्रैश बिन का। हालांकि जब तक फाइल्स ट्रैश बिन में रहेंगे वो आपका स्पेस लिया हुआ रहेगा, तो आप चाहे तो ट्रैश बिन से रिसाइकल बिन की तरह उन वीडियोस को भी डिलीट कर सकते हो जिनको आपको जरूरत नहीं है।
एंड फाइनल चीज क्या है गाइस, तो क्लिप्स में आपको अपडेट मिलता है। जी हाँ, आपने गैलरी में क्लिप्स इस्तेमाल किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, सभी Xiaomi फोन में मिल जाता है। लेकिन पोको X2 में आपको कुछ नए नए क्लिप्स मिलते हैं, और उन क्लिप्स में जैसे कि मान लीजिए आपने फोटोज को सेलेक्ट कर लिया, तो लगभग आप इसमें 20 फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 20 फोटो 10 फोटो सेलेक्ट कर लिया, क्लिप्स में जाएंगे तो उसमें आपको 3 अलग अलग जो इफेक्ट मिलते हैं वो जबरदस्त मिलते हैं। पहले भी गाइस 6-7 इफेक्ट थे, अभी आपको 10-12 इफेक्ट मिलते हैं, यानी कि इफेक्ट को बढ़ा दिया गया। पर जो 3 इफेक्ट है ना गाइस, वो है वेव्स, लाइट और तीसरा है रिदम। वेव्स, लाइट एंड रिदम, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल एडिटिंग करता है आपके फोटोज को बिल्कुल इफेक्ट में दिखाने में। तो ये जो तीनों के तीनों इफेक्ट है ना गाइस, वन ऑफ द बेस्ट है जो कि आप क्लिप्स में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब कुछ थे गाइस इस पोको X2 के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर जो कि आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ द टेक स्टार के चैनल पे। तो गाइज, अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसे ही रोजाना आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। और पोको X2 का रिव्यू, कैमरा रिव्यू भी आएगा यार, लेकिन आप बेफिक्र होकर बेझिझक होकर ले सकते हो इस फ़ोन को, बिकॉज रिव्यू में कुछ भी मुझे नहीं लगता कि बुरा है गाइज, सच में। अभी मैं अपना खुल के बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद। फोकस कर ले, कर ले भाई फोकस, नहीं सकल ही फोकस करेगा हमेशा। अबे कर लेना फोकस।